ऑलराइट दोस्तों, पोको X5 Pro 5G वर्ल्ड को बाय किए हुए 1 वीक हो चुका है। तो इतना दिनों से यूजेस करने के बाद में जो एक्सपीरियंस था मुझे इस फोन का रिलेटेड, सब कुछ आज इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर कर दूंगा। ये फ़ोन बाय करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए बताऊंगा इस फोन का रिलेटेड सब कुछ। अगर आप लोगों को इस फोन का रिलेटेड कुछ भी डाउट है, जैसे एक मैच के अंदर में कितना परसेंट बैटरी ड्रेन होता है, गेमिंग फ्यूचर कैसा देखने को मिलता है, कितना लैगिंग होता है, और दोस्तों अगर आप लोग वीडियो को 1080p रेजोल्यूशन पे स्ट्रीमिंग मतलब रिकॉर्डिंग करना चाहते हो, यूट्यूब पे स्ट्रीमिंग करना चाहते हो, क्या आप लोगों का लैग देखने को मिलेगा या फिर स्ट्रीमिंग का क्वालिटी कैसा आएगा, आज इस वीडियो के अंदर मैं पूरा क्लियर कर दूंगा डाउट। तो आप लोग वीडियो को प्लीज़ आप एंड तक देखते रहो। तो ओवरऑल दोस्तों, इस फोन का जो गेमिंग एक्सपीरियंस है तो स्मूथली के साथ में देखने को मिलता है। अगर आप लोग अल्ट्रा मैक्स ग्राफिक में भी खेलते हो तब भी इस तरह का दिक्कत है आप लोग इस फोन के अंदर में देखने को नहीं मिलता है। और बात करें हीटिंग की तो थोड़ा इसके अंदर में हीट देखने को मिलता है। तो आप लोगों का बहुत मन में एक डाउट था भाई, इस फोन के अंदर में वॉइस चेंजर है या फिर नहीं है, क्या क्या गेम प्रूफ का सेटिंग है, सब कुछ दिखाने के लिए कमेंट किया था एक बंदे ने, तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। तो इसके अंदर में आप लोगों को वॉइस चेंजर देखने को मिलता है। तो इधर आप लोग देख सकते हो, गर्ल पे है, वोमेन पे, कार्टून पे, रोबोट पे, मैन पे, तो राइस्टार वाला वॉइस ये है, ठीक है। तो आप अगर आप लोग इसको प्रेस करके थोड़ा चेक करना चाहते हो तो आप लोग इधर चेक कर सकते हो, तो देख ही सकते हो इधर। अगर आप लोग राइस्टर वाले वॉइस को करते हो तो आपका राइस्टर हो जाएगा। वो मैंने ये रोबोट है, रोबोट भी बहुत अच्छे से काम करता है, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो, अभी सुन सकते हो, तो बहुत सारा वॉइस चेंजर इसके अंदर में देखने को मिलता है आप लोगों को, ठीक है। ओरिजिनल पे रखता हूँ। और इधर आप लोगों को देखने को मिलता है बूस्ट, तो इसको आप लोग बूस्ट कर सकते हो, इससे क्या होगा आपका गेमिंग एक्सपीरियंस और भी ज़्यादा स्मूथली देखने को मिलेगा। तो मैं बूस्ट करके ही देख लो, पहले 63 FPS देखने को मिलता है, इसको बूस्ट करने के बाद में 120 FPS देखने को मिलता है, 120 का। तो ये दोस्तों अगर गेम ट्रू को दिखा रहा है तो मैं आप लोगों को बोलता हूँ, मुझे पता है गेमिंग के लिए मतलब PC में ही सिर्फ 120 या फिर इससे ज़्यादा FPS का सपोर्ट करता है, लेकिन पता नहीं इस फोन के अंदर में कैसे सपोर्ट कर रहा है, इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर नहीं दिखाता तो मैं दिखाता नहीं, ठीक है। अगर ये दिखा रहा है तो भाई दिखाना जरूरी बनता है आप लोगों को। तो इधर सेटिंग है, इसके अंदर में आप लोगों एडिशनल सेटिंग है, फ्री फायर का सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर सकते हो, दोनों साइड का सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर सकते हो, और इधर ग्राफिक की क्वालिटी को एडजस्ट कर सकते हो आप लोग। तो ये था गेम ट्रू का सेटिंग। अब थोड़ा नॉर्मल सा ग्लास पर गेम खेल के आप लोगों को दिखाता हूँ तो इस फोन के अंदर में कैसा वन टाइम हेडशॉट लगता है। और दोस्तों हीट की बात करें तो अभी आप लोगों को दिखाता हूँ, मैच स्टार्ट होने से पहले मेरा जो फ़ोन का हीट है, बैटरी के अंदर मैं जाऊंगा तो बैटरी आप लोग देख सकते हो हीट बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। और इसके अंदर बैटरी चार्ज कितना है अभी ये भी आप लोग देख सकते हो, 68% चार्ज है, और एक मैच के अंदर में कितना परसेंट बैटरी चार्ज होता है, ड्रेन होता है बैटरी, ये भी आप लोगों को पता चल जाएगा। तो इधर मैच स्टार्ट हो चुका है, और दोस्तों इधर आप लोग देख सकते हो ब्राइटनेस है फुल। तो ब्राइटनेस के रेजोल्यूशन की बात करें तो ब्राइटनेस की रेजोल्यूशन है काफ़ी अच्छा है। और ओवरऑल दोस्तों इसके अंदर में जो गेमिंग का टच का सैंपल है आप लोग देख ही सकते हो, टच का सैंपल भी काफ़ी स्मूथली के साथ में वर्क करता है। और बात करें साउंड की तो साउंड भी बहुत अच्छा है फ़ोन के अंदर में। और दोस्तों आप लोगों को जो एक बात आता है भाई, फ़ोन लैग होगा या फिर नहीं होगा, तो मैं बोलना चाहता हूँ ये फ़ोन लैग बिल्कुल भी नहीं होता है। और जिनका भी बजट है 22,000 इस बजट के अंदर में आप लोग इस फ़ोन को ले सकते हो। और दोस्तों जैसे आप लोगों को पता ही है पोको X5 Pro के अंदर में किस तरह का इशू तो नहीं देखने को मिला अभी तक मुझे इस फ़ोन के अंदर में, लेकिन फ्यूचर में देख भी सकते हैं इस फ़ोन के अंदर में। तो इसीलिए आप लोगों को थोड़ा रिस्क में रहते हुए इस फ़ोन को बाय करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप बाकी आपका मर्जी, अगर आप लोग लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ओवरऑल बहुत स्मूथली के साथ में गेम प्ले होता है। ये भाई कहाँ भाग रहा है, इसको हेडशॉट लगा। तो सेंसिटिविटी भी काफ़ी अच्छे देखने को मिलता है पोको का डिवाइस के अंदर में, आप सभी को पता ही भी है। और बात करें ग्राफिक की क्वालिटी तो इधर आप लोग पता है मैक्स ग्राफिक के अंदर में खेल रहा हूँ, तो ओवरऑल जो ग्राफिक की क्वालिटी है काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। और डिस्प्ले के अंदर में आप लोगों को इधर वहाँ बहुत सारा गेम ग्राफिक चेंजर भी देखने को मिलता है, तो मैं क्लासिक पे करूँगा तो थोड़ा ग्राफिक क्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो हमेशा आप लोग, ये बंदा इधर खड़ा हुआ है, क्या हुआ, ये
ऐसे बंदे को ना हेडशॉट मारा नहीं जाता मुझसे। तो ओवरऑल सब लोग देख सकते हो 1% मैच खत्म हो चुका है, अभी बैटरी 67 पे आ चुका है, तो 1% बैटरी ड्रेन हो चुका है एक राउंड के बाद में। और बात कर हीट की तो थोड़ा फीलिंग हो रहा है हीट, ठीक है। और बात करें इस फ़ोन की बैटरी में, तो बैटरी बैकअप कैसा देखने को मिला इस फ़ोन के अंदर में मुझे, तो ओवरऑल दोस्तों ये जो फ़ोन है अगर आप लोग 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ में डेली यूज करते हो तो आपको बैटरी थोड़ा ज़्यादा ही ड्रेन देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप लोग 60Hz के साथ में गेम प्ले करते हो तो आप लोगों को बैटरी ड्रेन कम देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ मैं 60Hz पे खेलना, लेकिन दोस्तों आप लोगों को गेमिंग से अच्छे चाहिए तो भाई कहाँ से मार ये बंदा, भाई मार ही दिया यार पूरा का पूरा। बचा सकते क्या कोई? नहीं कोई बचा नहीं सकता। तो आप लोगों को दिखाता हूँ मैं इधर बैटरी कितना ड्रेन हुआ है। तो बैटरी के अंदर में जैसे जाओगे आप लोग इधर बैटरी है, तो अभी भी चार्ज अपना नॉर्मल ही है, लेकिन दोस्तों इसके अंदर में थोड़ा हीट फील हो रहा है मुझे। आप लोग देख सकते हो बैटरी कैसे ड्रेन होता है, जो मेरा जो बैटरी ड्रेन ज़्यादा होता है स्क्रीन के ऊपर ही होता है फुल ब्राइटनेस के साथ में, और यूट्यूब पे ही होता है ज़्यादा, यूट्यूब देखता हूँ ना उसीलिए। तो बैटरी का टेम्परेचर नॉर्मल है, 67 पे था या फिर कितने में था आप लोग द्वारा चेक कर लेना। तो ओवरऑल दोस्तों आप लोग देख सकते हो टच का रिफ्रेश रेट है 120Hz के साथ में, तो मतलब बहुत सही फ़ोन है यार। और इसके अंदर में जो प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन का 778G प्रोसेसर है, मतलब काफ़ी पावरफुल है। और बात करें स्क्रीन रिकॉर्डिंग की, जो आप लोगों को मतलब दिक्कत आता है स्क्रीन रिकॉर्ड करने वक्त किस तरह का इशू आएगा या क्या नहीं, तो मैं इस वीडियो के अंदर में थोड़ा स्क्रीन रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ, और उसका जो गेमिंग एक्सपीरियंस होगा वो ये भी दिखाऊंगा, सेटिंग की भी दिखाऊंगा। तो अभी ये 120p पे चल रहा रिकॉर्डिंग हो रहा है स्क्रीन, तो जब आप लोग स्क्रीन को रिकॉर्ड करते हो तो आपको डबल साउंड का इशू आता है, ठीक है। ये पोको का जो इनबिल्ट रिकॉर्डर होता है इसके अंदर में आप लोग ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है, ठीक है। अगर आप किसी और दूसरे ऐप को यूज करते हो तो आपको ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। ये बंदा कहाँ से मारा, तो अभी आप लोग देख लो इसके अंदर में जो फाइल के अंदर में ये देखो ये वीडियो को कैप्चर किया है। वीडियो का क्वालिटी आप लोग देख लो, साउंड थोड़ा इश्यू होता है जैसे कि आप लोगों को बोला था मैंने, ओवरऑल दोस्तों स्मूथली के साथ में हो जा रहा है गेम। तो ग्राफिक की क्वालिटी में किस तरह का इशू तो नहीं है, लेकिन थोड़ा साउंड में इशू आ गया इस फोन के अंदर में। तो अगर आप लोग चाहते हो तो मतलब वो कर सकते हो, अगर आप लोग किसी दूसरे सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हो तो आपका साउंड में दिक्कत नहीं आएगा किस तरह का। लेकिन दोस्तों जो पोको का इनबिल्ट रिकॉर्डर होता है ये काफ़ी पावरफुल होता है गेमिंग के, मतलब लैग तो बिल्कुल नहीं करेगा, लेकिन थोड़ा साउंड का दिक्कत है जैसे कि आप लोगों को पता ही है पोको का हर डिवाइस के अंदर में अभी ये इशू देखने को मिल रहा है। तो बंदा कहाँ पर गया था, कहाँ से ये। किसके ऊपर एम जा रहा है भाई। तो ओवरऑल दोस्तों इस फोन की बात करें तो फोन अभी थोड़ा हीट हो रहा है, तो अभी एक ही राउंड है बचा हुआ है, ठीक है। उसके बाद दिखाता हूँ कितना हीट हुआ है और कितना बैटरी ड्रेन हुआ है, ठीक है आप लोगों को। और बात करें मेरा एक्सपीरियंस की तो इस फ़ोन के अंदर में कैसा रहा, तो ओवरऑल भाई फ़ोन बहुत मस्त है, लेकिन थोड़ा हीटिंग इशू है। ओवरऑल गेम में सब कुछ चल जाएगा स्मूथली के साथ में, आप लोग रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो स्ट्रीमिंग भी कर सकते हो। अब दोस्तों मेन टाइम पे आते हैं, बाय करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो ओवरऑल दोस्तों जो फ़ोन का एक्सपीरियंस की सबसे आप लोगों को बाय करना चाहिए, लेकिन दोस्तों अगर इन फ्यूचर किसी तरह का दिक्कत आता है तो एक बहुत बड़ी मुसीबत हो सकता है। तो अभी आप लोगों का रिस्क को लेते हुए आप लोग बाय कर लो फ़ोन का, अंदर में तो किस तरह का दिक्कतें नहीं आ रही इस फ़ोन के अंदर में, तो फ्यूचर मतलब वो पहले में हो जो हो चुका है उसको आप लोग याद करके अगर बाय नहीं करते हो तो आपका ही लॉस होगा। तो अगर आप लोग चाहते हो तो अभी न्यू लॉन्च हुआ है तो बाय कर लो, बहुत मस्त ऑफर वॉफर लगा के इसको मार सकते क्या है सर।
भाई ऐसे हिटर मारना ना बहुत मुश्किल आ जाता है यार। कौन फर्स्ट ब्लड मार कौन रहा है ऊपर में एक बंदा है। पीछे से कौन मारा इसको भाई मारना दिक्कत आ रहा बहुत ही भाई यार क्या करता हूँ मैं इसके पास कितना ही ले रहा है भाई। तो ये अपना मैच खत्म हो चुका है और जो बैठने साउंड फुल था ठीक है। तो अभी थोड़ा आप लोगों को दिखाता हूँ इस फ़ोन के अंदर में कितना हीट हुआ है फ़ोन फील भी हो रहा है हीट हुआ है ठीक है। फिर भी आप लोगों को दिखाता हूँ कितना हीट हुआ है और कितना बैटरी ड्रेन हुआ है। तो बैटरी आप लोग देख लो इस फ़ोन के अंदर में जो बैटरी एक मैच के अंदर में जो बैटरी ड्रेन हुआ है अपना 64-67 पे था अराउंड 4% बैटरी का ड्रेन हुआ है फुल्ली चार्ज के हिसाब से। अगर फुल चार्ज मतलब बैटरी से अगर लो पे होता तो अराउंड 2% या फिर 3% बैटरी ड्रेन होता एक मैच के अंदर में। तो अगर आप लोग हिसाब से रख लो मतलब एक मैच के अंदर में आपका 2% बैटरी ड्रेन होता है। और हीट की बात करें एक मैच के अंदर में जो हीट हुआ काफ़ी ज़्यादा हीट हो चुका है और मैक्स ग्राफिक में साथ में खेल रहा था तो थोड़ा हीट का इशू आया है। तो मैं आप लोगों को फिर भी हीट कैसे हुआ देख लो हीट अभी भी नॉर्मल दिखा रहा है लेकिन हीट हुआ है फीलिंग हो रहा है मुझे अराउंड 38 डिग्री सेल्सियस के करीब में ये पहुँच चुका है। तो ओवरऑल दोस्तों अगर आप लोग इस देखो आप लोग लास्ट में कैसा बैटरी ड्रेन हुआ है जैसे कि बोला बहुत ज़्यादा हीट हुआ है। जब हीट होना स्टार्ट हुआ था तब रेड रेड गिर रहा था चार्जिंग में ड्रेन हो रहा था। तो ओवरऑल दोस्तों ये था ऐसा था कुछ गेमिंग एक्सपीरियंस फ़ोन के साथ में मैक्स ग्राफिक में रिकॉर्डिंग सब कुछ दिखा दिया आप लोगों को। अगर दोस्तों फिर भी आप लोग इस फ़ोन का रिलेटेड कुछ भी पूछना होगा तो पूछ लेना कमेंट में ठीक है। तो और भी तो वीडियो आएगा तब मैं इन सारा टॉपिक के ऊपर कवर करूँगा। तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।